हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 2, हेल्थ एंड डिसीजेस। तो इस पूरे लेसन में हम हेल्थ के बारे में एंड डिसीजेस मींस क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिसीजेस और कौन से डिसीजेस होते हैं और किन ऑर्गेनिज्म्स के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के कारण होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके ट्रीटमेंट किस तरीके से हम ले सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन में। तो देखिए, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है, Have you ever taken the leave from school due to sickness? तो देखिए, हर कोई इंसान कभी ना कभी तो बीमार होता ही है, जैसे कि कभी सर्दी हो जाती है, कभी खांसी हो जाता है, कभी फीवर आ जाता है। तो क्या आपने भी कभी स्कूल से सिकनेस के कारण, बीमार होने के कारण कभी छुट्टी ली है? सेकेंड है, what happens exactly when we become sick? सीख होना, बीमार होना मीन्स एग्जैक्टली क्या होता है उस समय। कभी कभी बॉडी पेन करने लगती है, तो कभी हमारा हेडेक होता है, कभी पेट दुखता है, कभी फीवर आ जाता है। मीन्स हर एक डिसीज़ में अगर हम कहेंगे तो सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। और सिकनेस का मीनिंग क्या होगा, हमारी बॉडी वीक हो जाती है या फिर मेंटली हम अच्छा फील नहीं कर पाते हैं, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, सिकनेस या फिर बीमार होना कहेंगे, कि हमारी बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शंस नहीं कर पा रही है या फिर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है उस समय, तो उसे हम कहेंगे कि हम उस समय बीमार होते हैं। समटाइम्स वी फील गुड इवन विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन एंड समटाइम्स वी नीड टू कंसल्ट डॉक्टर एंड टेक रेगुलर मेडिसिन इन सिकनेस, वाई इज़ इट सो? तो देखिए, कभी कभी हम लोग बीमार तो पड़ते हैं लेकिन दूसरे दिन हम ठीक ठाक हो जाते हैं। कभी कभी अचानक से हमारा सर दर्द करने लगता है और शाम तक ठीक भी हो जाता है, या फिर सर्दी हो जाती है, 2 दिन में ठीक हो जाती है, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि 2-3 दिन बीमार होने के बाद भी हमारा फीवर कम नहीं हो रहा है या फिर जो भी सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं वो कम नहीं होते हैं, तो फिर हम कंसल्ट करते हैं हमारे डॉक्टर से, फिर वो हमें मेडिसिन देते हैं, जो मेडिसिन खाने के बाद ही हमें फ़र्क पड़ता है या फिर हमारी बीमारी जो है वो ठीक होती है। तो ये 3 क्वेश्चन से आपको समझना है यहाँ पे कि हर एक इंसान कभी ना कभी बीमार होता है, जिसके कारण कि हमारे बॉडी फंक्शंस उस समय ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और फिर हम कंसल्ट करते हैं हमारे डॉक्टर से या फिर मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, जिसके कारण हम फिर से क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ये डिसीजेस कौन कौन से तरीके से होते हैं वो भी आगे हम देखेंगे। तो हेल्थ मीन्स क्या, कि सिर्फ हमें कुछ बीमारी नहीं इसका मतलब हेल्थ हमारी अच्छी है ऐसा हम कह सकते हैं क्या? तो नहीं। कंप्लीट हेल्थ मीन्स क्या है, कि हमारी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ जो है वो अगर अच्छे से है तो तभी हम कह सकते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी है। सिर्फ डिसीजेस नहीं हो रहे हैं या फिर कोई बीमारी हमें नहीं तो हम ठीक ठाक ऐसे होता है क्या? नहीं। आजकल तो जो सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देता है वो होता है मेंटल हेल्थ, जो कि लोगों की क्या हो रही है, लोग अभी फिजिकली कम और मेंटली बीमार ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस तरीके से कि हम अगर फिजिकली, सोशली, मेंटली काफ़ी अच्छे है, हैप्पी है, तो हमारी हेल्थ अच्छी है। व्हाट इज़ डिसीज़, तो डिसीज़ का मीनिंग क्या होता है, कि कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल ऑफ डिसीज़। अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है फिर भी हम बीमार है, अगर हम फिजिकली मेंटेन नहीं है या फिजिकली कोई प्रॉब्लम हमें, तो क्या कह सकते हैं कि फिजिकली या फिर मेंटली दोनों में प्रोसेसेस में अगर कुछ डिस्टर्बेंस आता है बॉडी में, तो उसे हम कहते हैं डिसीज़। ये डिसीज़ एट इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स, और हर एक बीमारी का अपना अलग एक सिम्टम होते हैं, अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स मीन क्या, कि जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं कि किसी का सर दर्द हो रहा है या फिर गला दुखने लगता है, तो हमें थोड़ा सा फील होता है कि शायद हमें सर्दी हो सकती है क्योंकि गला ख़राब है, तो ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे डिसीजेस का मीनिंग क्या आएगा, कि डिसीज़ मीन्स क्या, कि अगर आपकी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो भी आप बीमार है ऐसे कह सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिकली कि आपकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप स्ट्रेस लिया है, डिप्रेशन में हो, तो वो भी एक तरीके की क्या होती है, बीमारी। तो फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से अगर आप हेल्दी हो, हैप्पी हो, तभी आपकी हेल्थ अच्छी है ऐसे हम कह सकते हैं। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजेस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। कई सारे तो नाम आपको पता होगा, जैसे कि डायबिटीज़ होता है, कॉमन कोल्ड जो कि कभी भी किसी भी इंसान को हमें दिखाई देता है, या फिर अस्थमा है, डाउन सिंड्रोम से, हार्ट डिसीजेस होते हैं, तो इस तरीके के कई सारे डिसीजेस होते हैं। हर एक डिसीज़ का रीज़न या फिर सिम्टम दोनों भी अलग होते हैं, किसी एक ही रीज़न से सारे डिसीजेस नहीं हो सकते, हर एक डिसीज़ का अपना अपना रीज़न होता है और सिम्टम्स भी इनके क्या होते हैं, अलग होते हैं। टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन, तो साइंटिफिकली अगर स्टडी हम करते हैं डिसीज़ का, तो उसके कुछ टाइप्स हमें यहाँ पे दिए हैं। तो आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको चार्ट दिखेगा,
तो टाइप्स ऑफ डिसीजेस इनको क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, मीन्स कितने समय के लिए होता है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और सेकंड है अकॉर्डिंग टू रीजंस कि किस रीजंस के कारण वो डिसीज होता है, उस बेसिस पे उसे क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, टाइम के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्रॉनिक डिसीज़। अभी क्रॉनिक डिसीज़ मीन्स क्या कि जो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, जैसे कि अस्थमा एक दो दिन में ठीक नहीं होगा, कैंसर है वो एक दो दिन में ठीक होता है, यानी कई साल उसे लग जाते हैं, तो वो एग्जांपल आते हैं क्रॉनिक डिसीज़ के कि लंबे समय के लिए अगर कोई किसी बीमारी के कारण परेशान है या फिर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो क्रॉनिक डिसीज़ होता है। नेक्स्ट है एक्यूट डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ मीन्स क्या, जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जैसे कि फ्लू आता है, फीवर आता है, एक दो दिन में ठीक हो जाता है, तो वो क्या होता है एक्यूट डिसीज़। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आया टाइप्स ऑफ डिसीजेज में कि अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन क्या होगा, लॉन्ग टाइम जो क्रॉनिक डिसीज़ होते हैं और शॉर्ट टाइम जो कि एक्यूट डिसीज होते हैं। अभी सेकेंड अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू रीजंस के अकॉर्डिंग, तो हेरिडेटरी डिसीज़ होते हैं एंड एक्वायर डिसीज़ होते हैं। अभी हेरिडेटरी डिसीजेस मीन्स क्या कि हेरिडिटी के कारण होने वाले डिसीज़, मीन्स अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप में भी आ जाती है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, पेरेंट्स को है, तो उनके कारण बच्चों में वो डिसीज़ आ सकता है, आगे की जो भी उनकी जनरेशन होगी वहाँ पे पास हो सकता है, उसे हेरिडेटरी डिसीज़ कहा जाता है। हमारे पेरेंट्स के थ्रू अगर, या फिर हमारे पेरेंट्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो डिसीज़ पास होता है, उसे हेरिडेटरी डिसीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्वायर डिसीजेस। इसके भी दो टाइप्स है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। अभी एक्वायर डिसीज मीन्स क्या कि आपकी लाइफस्टाइल किस तरीके से है, या फिर आप कहाँ पे काम करते हो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन आपको होता है, तो वहाँ पे हेरिडिटी का कुछ काम नहीं होगा। वहाँ पे आपकी जो लाइफस्टाइल है, या फिर जो आप हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो, या फिर आप क्लीनलीनेस हाइजीन पालते हो या नहीं हो, उसके ऊपर ये डिपेंड होगा एक्वायर डिसीज। तो यहाँ पे इन्फेक्शियस डिसीज मीन्स क्या कि इन्फेक्शन के कारण होने वाले, अगर आप बाहर जाते हो किसी को कॉमन कोल्ड है, वो छींक देता है, खांस देता है, तो उसके कारण आपको डिसीज़ हो जाता है, तो वो आएगा इन्फेक्शियस डिसीज़। या फिर फ्लू हो, डेंगू हो, ये इन्फेक्शन के कारण होने वाले डिसीजेस मीन्स इन्फेक्शियस डिसीजेस। नॉन इन्फेक्शियस का मीनिंग क्या होगा कि जो इन्फेक्शन से नहीं होते हैं, आपके लाइफस्टाइल के कारण, आपके खाने के कारण, अगर आप रोज़ एक्सरसाइज नहीं करते हो, उसके कारण आपका जो रूटीन होता है पूरे बॉडी का एक्सरसाइज का, उसके कारण जो होते हैं वो होता है नॉन इन्फेक्शियस। जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीजेस है, अगर आप तले हुए पदार्थ ज़्यादा खाते हो, बाहर का फास्ट फूड खाते हो, तो उनके कारण आपको हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हमारे खून में, तो ये सारी चीज़ें आते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस में। और इन्फेक्शियस में क्या आएगा कि जो इन्फेक्शन थ्रू होते हैं वो। तो यहाँ पे ये पूरा चार्ट आपको समझ में आ गया टाइप्स ऑफ डिसीजेस। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, हाउ डू द फॉलोइंग डिसीजेस स्प्रेड। हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, स्केबीज, टीबी, डेंगू, डिसेंट्री, रिंग वॉर्म, स्वाइन फ्लू, ये कैसे होते हैं। तो जो इन्फेक्शियस होते हैं वो किस तरह से होते हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर वो ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं किसी भी रीज़न के कारण या फिर किसी भी मीडियम के कारण, तो वो होते हैं इन्फेक्शियस। और नॉन इन्फेक्शियस जो होंगे वहाँ पे इन्फेक्शन का कोई काम नहीं होगा, वहाँ पे आपके बॉडी किस तरीके से काम करती है या फिर आपको फिजिकली कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो होता है नॉन इन्फेक्शियस में। तो ये हर एक डिसीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो और देख सकते हो यहाँ पे हेपेटाइटिस किसके कारण स्प्रेड होता है, मलेरिया, जैसे कि मलेरिया टाइफाइड जो होता है वो हम कह सकते हैं कि मॉस्किटोज के कारण होता है, स्केबीज है, टीबी है, डेंगू है, तो ये सब आपको क्या करना होगा, सर्च करना होगा। रिंग वॉर्म है तो वो इन्फेक्शियस होगा, किसी पर्सन को रिंग वॉर्म है तो वो उसके स्किन को अगर आप टच करते हो या फिर कॉन्टैक्ट आता है तो उसके कारण आपको हो सकता है। तो इस तरीके से हर एक डिसीज़ को आप सर्च करके देख सकते हो। What do we mean by pathogen? Pathogen का मीनिंग क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जो चाहे वो वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, वो आपके बॉडी के अंदर एंटर करेगा और वो उसके कारण आपको डिसीज़ होता है, तो उसे हम पैथोजन कहते हैं। What do we mean by infectious disease? Infectious disease का मीनिंग क्या होता है, हमने पहले ही देखा कि जो डिसीजेस इन्फेक्शन के कारण होते हैं उन्हें हम इन्फेक्शियस डिसीजेस कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड होता है, या फिर स्किन के कोई भी एलर्जी होती है, या फिर रिंग वॉर्म है, स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो इन्फेक्शन के कारण होता है, तो उसे इन्फेक्शियस डिसीज़ कहा जाता है। अभी इन्फेक्शन थ्रू स्पूटम मीन्स जो हम थूकते हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। जैसे कि आपने बोर्ड देखे होते हैं बाहर पब्लिक प्लेसेस में लगाए जाते हैं कि यहाँ पे थूकना मना है, क्यों कहा जाता है, इसके कारण कि आपकी हेल्थ और हाइजीन के कारण वहाँ पे बोर्ड लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट वो बोर्ड लगाती है कि आपको यहाँ वहाँ नहीं थूकना है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट है
उसके कारण क्या होगा कि उसके सलाइवा में जो भी वहाँ पे वायरस बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उस डिसीज़ के, वो स्प्रेड हो सकते हैं इसके कारण। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है, देखिए कि इन दिस एरिया स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर वेपराइज्ड इनटू द मिस्ट, कि अगर किसी ने थूका है वहाँ पे तो उसमें से क्या होगा कि जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में क्या हो सकते हैं, वेपराइज्ड हो सकते हैं। उसके बाद मिस्ट रिमेन्स इन द एयर फॉर सेवरल मिनट्स टू फ्यू आवर्स, तो हवा के साथ वो मिक्स हो जाता है तो कई मिनट तक वो क्या कर सकता है, जो भी जर्म से जो भी वायरस से वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। और अदर पर्सन के कांटेक्ट में वो एयर आती है, ब्रीदिंग के समय वो एयर अगर हमारे अंदर जाती है तो वो डिसीज़ हमें भी हो सकता है। लार्ज ड्रॉपलेट्स सेटल ऑन द ग्राउंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, तो फ्यू सेकेंड्स में क्या हो जाता है, जो बड़े ड्रॉपलेट्स होंगे वो ज़मीन के ऊपर सेटल हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है, अगर बारिश का मौसम है वहाँ पे थूक देते हो, पानी के साथ वो बह के चला जाएगा किसी वाटर सोर्स में, तो क्या होगा फिर, तो डिसीज़ क्या होते हैं यहाँ पे, इन्फेक्शन डिसीजेस हो तो जल्दी से क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ वहाँ रास्ते के ऊपर नहीं थूकना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन्फेक्शियस डिसीज़ का पूरा चार्ट आपको यहाँ पे दिए हैं। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ की स्प्रेड होने के लिए मीडियम ज़रूरी होते हैं, और मीडियम होते हैं एयर, वाटर एंड फूड, और एनिमल्स जो वेक्टर्स मीन्स इंसेक्ट हो या फिर छोटे एनिमल्स जो होते हैं उनके कारण भी इन्फेक्शियस क्या होता है, स्प्रेड होता है। यहाँ पे पूरा आपको चार्ट दिया है, देखिए पहले तो आपको कॉलम में दिया है नेम ऑफ डिसीज़, पैथोजन मीन्स जो बैक्टीरिया वायरस जिनके कारण आपको डिसीज़ होता है वो होते हैं पैथोजन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, उसके बाद दिया है सिम्टम्स कौन से दिखते हैं, एंड प्रिवेंशन ट्रीटमेंट आप क्या ले सकते हो। तो फर्स्ट ही आपको दिया है ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस मीन्स क्या, टीबी जिसे हम कहते हैं जिसमें ज़्यादा खांसी आती है वो वाला, ये किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली जो पैथोजन होता है उसके कारण होता है। एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन किस तरीके से होगा या फिर किसके थ्रू होता है इन्फेक्शन, तो स्पीटिंग बाय पेशेंट, टीबी का पेशेंट अगर कहीं भी थूक देगा तो वो जो है स्प्रेड होगा एयर में, या फिर वाटर है वहाँ पे थूक देगा तो वो भी क्या होता है, इन्फेक्शन दूसरे लोगों को हो सकता है। या फिर ज़्यादा समय तक उस पेशेंट के साथ अगर कोई चीज़ें आप शेयर करते हो, मटेरियल्स कपड़े वगैरह हो या फिर बर्तन हो, तो वो भी आपको इन्फेक्शन वहाँ पे होने के चांसेस होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे, क्रॉनिक कफ, कंटिन्यूसली खांसी आना, ब्लडी स्पीटिंग, स्पीट्स में से ब्लड निकलना, इमेसेशन डिफ़िकल्ट, जो ब्रीदिंग के लिए डिफ़िकल्ट होता है वो सिम्टम्स आपको वहाँ पे दिख सकते हैं। प्रिवेंशन क्या होगा, तो बीसीजी की वैक्सीन लगती है, देखो बच्चों को भी लगती है। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, कि उस पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाएगा। अभी आइसोलेशन का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो कोरोना वायरस आया था या फिर लॉकडाउन के समय आपने देखा होगा कि आइसोलेट किया जाता था कोरोना पेशेंट को। क्यों किया जाता था, क्योंकि वो भी एक तरीके से इन्फेक्शियस डिसीज ही था, कि एक को अगर होता था तो दूसरों को भी हो सकता था। इसी के लिए हम लोग क्या करते थे, मास्क पहनना, हैंड वॉश यूज़ करना, या फिर दूसरों से दूर रहना, एक रूम में हम खुद को आइसोलेट कर लेते थे। तो उसी तरीके से टीबी का जो पेशेंट होगा उसे हम आइसोलेट कर सकते हैं। रेगुलर जो मेडिकेशन होगा लाइक डॉट जो आता है वो दे सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा है हेपेटाइटिस, जॉइंडिस जो होता है, जॉइंडिस आपको पता होगा पीलिया होता है, तो वो जॉइंडिस ये किसके कारण होता है, हेपेटाइटिस वायरस जो होते हैं ए बी सी डी उनको नाम दिए गए हैं, तो उनके कारण होता है। और ये किसके थ्रू होगा, कंटेमिनेटेड वाटर मीन्स पोल्यूटेड वाटर है, या फिर किसी पेशेंट का जैसे कि हमने देखा कुछ मिक्स हुआ है वाटर में, तो उसके कारण हो सकता है। शेयरिंग ऑफ नीडल्स, एक ही नीडल अगर हर किसी को लगाएंगे हम लोग तो ब्लड के जो ब्लड नीडल को लगा होगा वो दूसरे के ब्लड में चला जाएगा, तो शेयरिंग ऑफ नीडल्स उनके कारण हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी को अगर ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है एक के बॉडी से दूसरे बॉडी को दूसरे बॉडी में, तो उसके कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कि यूरिन येलो दिखना हो, आँखें येलो दिखती है, वीकनेस आता है, वोमिटिंग होती है, तो ये यहाँ पे सिम्टम्स भी दिए हुए हैं। और इस पे ट्रीटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर कंटेमिनेटेड वाटर से हो रहा है तो पानी को हम बॉईल कर सकते हैं, प्रॉपर हैंड्स को क्लीन कर सकते हैं, जिससे अगर उस पेशेंट को अगर है तो वो अगर हाथ अच्छे से धोएगा तो दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होगा इसके लिए। नेक्स्ट है डिसेंट्री, जो कि बैक्टीरिया है वायरस है इनके कारण होता है, जैसे कि शिगेला, बैसिलिया, एंटामिया, हिस्टोलिटिका, ये कुछ बैक्टीरिया एंड वायरस होते हैं उनके कारण डिसेंट्री होती है। और मेन रीज़न होता है या फिर मीडियम होता है इनका कंटेमिनेटेड फूड और वाटर पीने के कारण, खाने के कारण। और यहाँ पे क्या होगा, डिसेंट्री में सबको पता है वाटर इज स्टूल मीन्स डिसेंट्री होती है, और एबडोमेन मीन्स हमारे पेट के यहाँ पे पूरा दर्द होता है। इसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या होगा कि पानी को बॉईल कर सकते हैं, बाहर का खाना हम नहीं खाएंगे, प्रॉपर तरीके से स्टोरेज किया है, ढका हुआ खाना है तो ही हम खा सकते हैं, और ORS का पानी हम सब लोग पीते हैं, ये तो सबको ट्रीटमेंट पता है कि डिसेंट्री के टाइम क्या करते हैं।
कॉलेरा किसके कारण होता है, तो विब्रियो कॉलेरी जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण कॉलेरा होता है, जो कि अगेन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण। देखिए मोस्टली जो इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं वो फूड एंड वाटर से सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये कॉमन है, हम लोग फूड खाते हैं, अगर वही कंटेमिनेटेड फूड खा लेंगे तो हो जाएगा, पानी पी लेंगे तो उसके कारण हो जाता है, तो ये मीडियम होते हैं। और यहाँ पे सिम्टम्स होंगे, वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, क्रैम्प्स इन लेग्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। और ट्रीटमेंट होगा फॉलोइंग हाइजेनिक प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है अच्छे से है या नहीं, बॉइल वाटर होगा तभी पीना चाहिए, और वैक्सीनेशन जो आता है कॉलेरा का वो लेना चाहिए, जिसके कारण हम इन सारे चीज़ों से बच सकते हैं। टाइफाइड किसके कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया होता है जिसके कारण हमें टाइफाइड होता है। तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर अगेन वही है मीडियम। और यहाँ पे सिम्टम्स है एनोरेक्सिया, हेडेक, क्रैश ऑन एब्डोमेन, डिसेंट्री, फीवर होता है 104 के ऊपर, तो ये सिम्टम्स दिखते हैं। और ट्रीटमेंट होता है कि वही क्लीन वाटर हम ले सकते हैं, वैक्सीनेशन ले सकते हैं, उसके बाद डिस्पोजल ऑफ सीवेज, अगर कचरा वगैरह है जहाँ पे मच्छर ज़्यादा होते हैं तो उनसे हम बच सकते हैं। तो ये पूरा चार्ट आप एक बार देख लेना, सबके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ पे दिया है आपको प्रीपेस सिमिलर टेबल ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस डिसीज लाइक एंटेराइटिस, मलेरिया, प्लेग, एड्स वगैरह, तो वो भी आप सर्च करके देख लीजिए, आपको इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिया है, देखिए डर्टीनेस इन द सराउंडिंग, अगर हमारे सराउंडिंग ऐसी डर्टीनेस है, डर्ट फैला हुआ है, कचरा फैला हुआ है, पानी जमा है, वेयर डू यू सी द वाटर लॉग मटेरियल शोन इन द पिक्चर, कहाँ पे दिखेगा, आजू बाजू में हमारे घर के बाजू में अगर कुछ लोग कचरा डालने की अगर जहाँ पे जगह होती है वहाँ पे तो हमें सामान पड़ा हुआ दिखता है, या फिर कुछ टूटे फूटे बर्तन होते हैं, या फिर आपके घर में कूलर है तो वहाँ पर भी पानी क्या होता है, अगर आप डेली का पानी अगर चेंज नहीं करते हैं तो वहाँ पर भी मॉस्किटो आ जाते हैं। उसके बाद अगर फ्लावर पॉट वगैरह यूज़ करते हैं उसमें पानी भर के रखते हो तो उसे भी डेली हमें चेंज करना चाहिए। विच हजार्ड्स डू यू एंटीसिपेट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, क्या क्या होगा देखिए इसके कारण, इस डर्ट के कारण क्या हो सकता है, ऑब्वियसली कचरा है तो वहाँ पे जर्म्स आएंगे, बैक्टीरियाज आएंगे, मॉस्किटोज होंगे, और अगर पानी वहाँ पे जमा है बर्तन में, टायर्स में वगैरह, तो उनके कारण क्या होगा, मॉस्किटो फैलेंगे, जिनके कारण फिर हमें डेंगू होगा, फ्लू होगा, मलेरिया होगा, इस तरीके की बीमारियाँ हो सकती है। तो बेटर यही होता है कि हमारे घर को हम जिस तरीके से क्लीन रखते हैं हमारे सराउंडिंग को भी उसी तरीके से हमें क्लीन रखना है। और ये श्योरली हमें देखना चाहिए कि घर में कहीं पर पानी ज़्यादा दिन तक अगर भरा हुआ है तो उसे हम क्लीन करें, रोज़ का रोज़ क्लीन करें, या फिर जो बाहर कहीं पर भी बर्तन वगैरह होते हैं टूटे फूटे फेंके होते हैं तो बारिश में पानी जमा हो जाता है तो वो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम सराउंडिंग का भी ख्याल रख सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट डिसीजेस ऑफ प्रेजेंट डेज, हाउ कैन वी ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन को किस तरीके से आप देख सकते हो, देखिए कि एक तो सबसे पहले हमने देखा कि कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के कारण कई सारे डिसीज़ होते हैं, तो हमें क्लीन पानी पीना चाहिए, उसके बाद घर की क्लीनिंग भी करनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन में फिर क्या आएगा कि हमारे बाल ठीक ठाक है या नहीं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं या नहीं, खाना किस तरीके से खाते हैं, हमारे नाखून तो बड़े नहीं है, तो ये सारी चीज़ें होती है पर्सनल हाइजीन में। Why should we drink boiled water in rainy season? Rainy season में drink करके जो पानी होता है boil करके क्यों पीते हैं हम लोग, तो rainy season में mostly क्या होता है कि पानी जो है कहीं से बह के फिर वो water sources में जमा होता है, तो उसके साथ साथ कई सारी गंदगी भी आ जाती है, उसमें germs, bacteria वगैरह होते हैं, तो अगर पानी को हम बॉईल करते हैं तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस टेम्परेचर में मर जाते हैं, जिनके कारण वो पानी हमें पीने के लिए सेफ हो जाता है, तो इसीलिए हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। Why the clean hands drive is run in school? तो स्कूल में कुछ प्रोग्राम्स इस तरीके से किए जाते हैं कि बच्चों को हैंड वॉश सिखाना चाहिए वगैरह, तो क्यों होता है, क्योंकि बच्चे देखो छोटे बच्चे धूल मिट्टी में हाथ लगाते हैं, इधर उधर हाथ लगाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है, फिर उसी हाथ से वो खाना खाते हैं या फिर पानी पीते समय वो हाथ लग जाते हैं, तो फिर उन्हें डिसीज होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए इस तरीके के प्रोग्राम्स किए जाते हैं। अभी सबसे पहले हम देखेंगे डेंगू के बारे में। मॉस्किटोज ले द एग्स इन वाटर लॉक प्लेसेस एंड देयर बाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस, जहाँ पर भी पानी जमा होगा, जैसे कि टायर होते हैं, पुराने बर्तन हैं, उनमें अगर पानी भरा हुआ है, या फिर कूलर आप यूज़ नहीं करते हो लेकिन उसमें पानी वैसे के वैसे भरा है और आपने यूज़ नहीं किया, पानी कई दिनों तक वैसे ही उसमें अगर रहेगा तो वहाँ पे मॉस्किटोज की संख्या बढ़ेगी, और फिर उसके कारण कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज जो होते हैं मॉस्किटोज के वो क्या करते हैं, फिर डिसीजेस को स्प्रेड करते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे एडिस इजिप्टाई जो होता है मॉस्किटो, उसके कारण क्या होता है, डेंगू होता है। दिस डिसीज इज कॉज बाय DEN1
फोर वायरस बिलोंगिंग टू द टाइप ऑफ फ्लेवी वायरस। तो इस वायरस के कारण क्या होता है, डेंगू होता है। इसके सिम्टम्स अगर हम देखेंगे तो सिम्टम्स कौन से होते हैं, एक्यूट फीवर मीन्स थोड़े समय के लिए फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, वोमिटिंग होती है। उसके बाद पेन इन आई सॉकेट में क्या होती है, पेन होता है, उसके कारण समझ में आता है कि डेंगू है। डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट जो होती है ब्लड में वो बढ़ जाती है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अंडरस्टैंड द एक्सप्लेन द अदर्स, जो आपको पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है कि इस तरीके से अगर टायर है और टायर में पानी अगर भर के मतलब रेनी सीजन है तो पानी अगर भरा हुआ है और आप नहीं उसको साफ करते, क्लीन करते, तो इस तरीके से उसमें क्या होते हैं, मॉस्किटोज स्प्रेड होने लगते हैं और जिसके कारण फिर डेंगू आपको हो सकता है। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो कुछ चीज़ें अपनी हेल्थ एंड हाइजीन के लिए। ऑब्जर्व द पिक्चर शोन इन फॉलोइंग एंड राइट डिस्क्रिप्शन इन द बॉक्सेस। डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना क्या है कि रीजंस कौन से हैं एंड प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से हैं। इसमें रीज़न क्या आएगा, देखिए अब मॉस्किटो बढ़ेंगे कब, जब आप क्या करोगे, कूलर में पानी भरा हुआ है या फिर इस तरीके से टैंक में पानी भरा हुआ है उसको अगर आप नहीं ढक के रखते हो तो वहाँ पे मॉस्किटोज़ की संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पे मेजर क्या आएगा कि आप जो भी बर्तन पानी का यूज़ करते हो उसे ढक के रखिए। छोटे बच्चे तो उनको फुल कपड़े पहनिए, जिसके कारण क्या होगा कि उन्हें मच्छर नहीं काटेंगे। या फिर देखिए गप्पी फिशेस जो आते हैं उनको पानी में अगर हम छोड़ेंगे तो मॉस्किटोज की संख्या जो है वो कम हो जाती है। इस तरीके से आपने देखा होगा जो भी गवर्नमेंट के लोग जो होते हैं वो आके इस तरीके से क्या करते हैं, अलग तरीके से जो क्या कह सकते हैं हम लोग, धुआं निकलता है देखिए, तो उसमें कुछ मेडिसिन कह सकते हैं हम लोग यूज़ किया जाता है, तो जिसके कारण क्या होगा फिर उस फॉग के कारण मच्छर की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट जो होते हैं, रिपल करने वाले जो क्या कहते हैं हम लिक्विड्स होते हैं या फिर इस तरीके की अगरबत्तियाँ वगैरह आती है, जिनको यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉस्किटोज़ की संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे हर एक पिक्चर में आप वो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट है, डू यू नो में मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनाफिलस वाइल एलिफेंटाइटिस बाय फीमेल क्यूलेक्स। तो मोस्टली जो मलेरिया होता है एनाफिलिस नाम की जो मॉस्किटो होती है फीमेल मॉस्किटो उसके कारण होता है। एनाफिलस एंड एडिस ग्रो इन क्लीन वाटर वाइल क्यूलेक्स इन अ डर्टी सीवेज वाटर। देखिए एनाफिलस जो होती है या फिर एडिस जो होती है, एडिस इजिप्टाई जो हमने देखा जिसके कारण डेंगू होता है, ये क्लियर क्लीन वाटर में ग्रो होते हैं। मीन्स क्या, जो हमारा पीने का पानी होगा या फिर टैंक में जो पानी भर के रखते हैं वो अगर हम ढक के नहीं रखेंगे तो वहाँ पे मोस्टली ये पाए जाते हैं और फिर जिनके कारण डेंगू मलेरिया होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू, रीजंस ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं, इन्फेक्शन किसके कारण होता है। तो स्वाइन फ्लू सबसे पहले हुआ था थ्रू पिग्स, और पिग्स के थ्रू अगर ह्यूमंस को होता है फिर एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को हो जाता है, तो पिग्स एंड ह्यूमंस के कारण इन्फेक्शन होता है। वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू सिक्रेशन ऑफ नोज थ्रोट एंड सलाइवा। तो स्वाइन फ्लू में अगर सर्दी है तो नोज से सिक्रेशन जो होगा या फिर हमारे थ्रोट के कारण सलाइवा के कारण क्या होता है, इन्फेक्शन बढ़ता है। सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, तो अगर इसमें नोज हमारा रन नोज है तो उसमें क्या होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, थ्रोट जो है उसमें प्रॉब्लम आती है, बॉडी पेन होता है, तो ये उसके कुछ सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है कि डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाएगा स्वाइन फ्लू को। फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट इज सेंट इन लेबोरेटरी। जैसे कि कोरोना में आपने देखा होगा कि जो सैंपल जो लिया जाता था डायग्नोसिस के लिए वो नाक से और गले से लिया जाता था, उसी तरीके से स्वाइन फ्लू के लिए भी थ्रोट से निकाला जाता है, फिर उसे लेबोरेटरी भेजा जाता है। और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस वो होता है दिल्ली में। तो कुछ ऐसे लेबोरेटरीज होते हैं वहाँ पे उसे भेज के फिर चेक किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से हमने लेसन में अभी इन्फेक्शियस डिसीजेस को देखा है, उसके बाद आने वाले कुछ जो डिसीजेस है उनको भी हम देखेंगे लेकिन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए, तो उसे क्या होता है एक लिंक लग जाता है आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट फिर थर्ड पार्ट, तो उसे आपको पूरा जो लेसन है ठीक से समझ में आ जाता है। तो मिलेंगे हम सेकेंड लेक्चर में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।